नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपकी कोई दुकान है या फिर आपकी घर है तो आप उसे कैसे Google मैप पे डाल सकते हैं, जिससे कस्टमर आपकी दुकान की नेम को सर्च करके आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों गूगल मैप पे अपनी दुकान, अपनी संस्था या फिर आप अपने घर को ऐड करने के लिए आपके फोन में एक ऐप होता है गूगल मैप, ये है गूगल मैप, आप इसे ओपन कीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी गूगल मैप अपडेट नहीं है तो सबसे पहले प्ले स्टोर में जाके अपडेट कर लीजिएगा। अगर आप गूगल मैप पे पहले से साइन इन नहीं है तो यहाँ पे क्लिक करके आप साइन इन कर लीजिएगा। अगर आप साइन इन है यहाँ पे आपकी नेम का पहला लेटर दिखलाई देगा, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा सेटिंग्स पे, यहाँ पे, और दोस्तों यहाँ पे आप स्क्रोल डाउन करके आइएगा तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्टार्ट मैप इन सैटेलाइट व्यू, तो यहाँ पे आप इसे ऑन कर दीजिएगा। और इसके बाद यहाँ से आप आ जाइएगा बैक, और आप अपनी दुकान, घर या फिर आप अपनी संस्था को ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा इस प्लस वाले आइकॉन पे, कंट्रीब्यूट पे, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। और इसके बाद आप क्लिक कीजिएगा ऐड प्लेस पे, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे क्लिक करके आप अपनी दुकान या फिर आप अपनी संस्था या फिर आप अपने घर की नेम को डालिएगा। यहाँ पे मैं क्लिक करके अपनी दुकान का नेम डाल दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं डाला हूँ केक शॉप। और इसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक करके कैटेगरी ऐड करना होगा, अपनी दुकान का कैटेगरी ऐड कर लीजिएगा। तो यहाँ से मैं फूड एंड ड्रिंक सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको और भी कुछ कैटेगरी मिल जाते हैं, तो यहाँ पे मैं बेकरी एंड केक शॉप पे क्लिक करके इसे ऐड कर दे रहा हूँ। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे ऐड एड्रेस पे क्लिक करके और आप अपनी दुकान की लोकेशन को डालिएगा। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ अपडेट लोकेशन ऑन मैप पे, यहाँ पे। अगर यहाँ पे आपकी लोकेशन फाइंड ये नहीं कर रहा है तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। अगर आपके फ़ोन में GPS ऑन नहीं है तो आप अपने फ़ोन में GPS को ऑन कर लीजिएगा। और इसके बाद यहाँ पे आप जूम कीजिएगा, तो यहाँ पे जूम कर देने के बाद आप अपनी दुकान को देख लीजिएगा, आपकी यहाँ पे कहाँ पे दुकान है, जहाँ पे आपकी दुकान है वहाँ पे ले जाके आप इस लोकेशन को वहीं पे छोड़ दीजिएगा। और इसके बाद आप क्लिक कीजिएगा यहाँ पे ओके पे, तो यहाँ पे आपका ये एड्रेस आ जाता है। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको और भी कुछ डिटेल ऐड करना होता है तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। और इसके बाद यहाँ पे आप क्लिक करके आपकी दुकान कब से कब तक खुला रहता है यहाँ पे आप टाइमिंग सेट कर लीजिएगा। चूंकि यहाँ पे मेरा दुकान संडे को ऑफ रहता है तो यहाँ पे मैं क्लिक नहीं कर रहा हूँ, और इसके बाद यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। और यहाँ पे मेरी दुकान संडे छोड़ के बाकी सभी दिन ओपन रहता है तो यहाँ पे मैं टिक कर दे रहा हूँ। और इसके बाद दोस्तों अगर आपकी दुकान यहाँ पे 24 आवर ओपन रहती है तो यहाँ पे आप टिक कीजिएगा। बाय द वे आप यहाँ पे टिक करके और आप यहाँ पे अपनी टाइमिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा सेव पे। दोस्तों अगर आपकी दुकान की कोई फोटो, आप अपनी दुकान की फोटो लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐड ए फोटो पे क्लिक कीजिएगा, तो आपकी फोन की गैलरी ओपन हो जाएगी। वहां से आप अपनी दुकान की फोटो को सेलेक्ट कर लीजिएगा और इसके बाद आप क्लिक कीजिएगा यहाँ पे डन पे। यहाँ पे अगर आपकी दुकान से संबंधित कोई वेबसाइट या फिर फेसबुक पेज URL है तो यहाँ पे आप डाल दीजिएगा। और इसके बाद दोस्तों आपका दुकान यहाँ पे जब ओपन हुआ है, ओपनिंग डेट यहाँ पे आप चाहें तो डाल सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा इस तीर वाले आइकॉन पे। अब दोस्तों यहाँ से आप जो लोकेशन अभी ऐड किए हैं गूगल के सर्वर पे अपलोड हो जाता है और गूगल की टीम उस पर रिव्यू करती है और एक वीक के अंदर अंदर आपकी ये लोकेशन ऐड कर दी जाती है। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपके काम की होगी और आपके हेल्पफुल होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुप में। और ऐसे ही सिंपल सिंपल वीडियो में अपने चैनल पर लेकर आते रहता हूं तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपने वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय।